बिहार के लाल ने 10 विकेट और हैट्रिक के साथ रचा इतिहास, कूच बिहार ट्रॉफी में किया गजब का प्रदर्शन। नमस्कार, मैं दिव्या, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। बिहार के युवा गेंदबाज सुमन कुमार ने कूच बिहार ट्रॉफी में इतिहास रच दिया है। उन्होंने एक पारी में 10 विकेट लेकर ना सिर्फ शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन किया बल्कि इस दौरान हैट्रिक भी ली। बिहार और राजस्थान के बीच खेला गया ये मुकाबला बेहद रोमांचक था। सुमन कुमार जो कि एक बाएं हाथ के स्पिनर हैं, उन्होंने अपनी घातक गेंदबाजी से पूरे मैच में जलवा बिखेरा और अपने नाम एक बड़ा रिकॉर्ड दर्ज करवाया। सुमन ने कूच बिहार ट्रॉफी के इस मुकाबले में अपनी टीम के लिए शानदार प्रदर्शन किया। सुमन ने 33.5 ओवर में 53 रन देकर 10 विकेट झटके। इस दौरान उन्होंने 20 ओवर मेडन गेंदबाजी भी की। इससे उनकी गेंदबाजी के अनुशासन और क्षमता का भी पता चलता है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, खासतौर से घरेलू क्रिकेट के स्तर पर। राजस्थान की पारी के 36वें ओवर में सुमन कुमार ने हैट्रिक भी ली। उन्होंने 3 विकेट लगातार हासिल किए जिसमें मोहित भगनानी, अनस और सचिन शर्मा को आउट किया। उन्होंने 1.57 के इकोनॉमी रेट से गेंदबाजी करते हुए ये कारनामा किया और टूर्नामेंट में एक पारी में 10 विकेट और हैट्रिक लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए। इस प्रदर्शन ने सुमन को घरेलू क्रिकेट में एक नई ऊंचाई पर पहुँचा दिया। इस मैच में बिहार की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 467 रन बनाए जो कि एक मजबूत स्कोर था। दीपेश गुप्ता और पृथ्वी राज की शानदार शतकीय पारियों की बदौलत बिहार ने बड़ा स्कोर खड़ा किया। दीपेश ने 381 गेंदों में 28 चौकों के साथ 183 रन बनाए जबकि पृथ्वी ने 128 रन की पारी खेली। बिहार के द्वारा बनाए गए इस विशाल स्कोर के कारण उन्हें 285 रन की बढ़त हुई। हालांकि राजस्थान ने अपनी दूसरी पारी में शानदार वापसी की और पर्थ यादव की नाबाद 200 रनों की पारी के दम पर 5 विकेट पर 410 रन बना दिए। ये मुकाबला ड्रॉ पर समाप्त हुआ लेकिन बिहार को 3 अंक मिले जबकि राजस्थान को सिर्फ 1 अंक मिला। सुमन कुमार ने कूच बिहार ट्रॉफी में अब तक 4 मैच खेले हैं और इस दौरान 1.91 इकोनॉमी रेट से 23 विकेट हासिल किए हैं। ये मौजूदा घरेलू सत्र में एक पारी में 10 विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज बन गए हैं। इससे पहले हरियाणा के अंशुल कंबोज ने रणजी ट्रॉफी में एक पारी में 10 विकेट हासिल किए थे। सुमन कुमार का ये रिकॉर्ड घरेलू क्रिकेट में उनकी पहचान को और मजबूत करता है। उनका आगामी मैच 6 दिसंबर को महाराष्ट्र के खिलाफ होगा। बिहार की टीम फिलहाल एलीट ग्रुप ई में 10 अंकों के साथ 4थे स्थान पर है, वहीं राजस्थान 2रे स्थान पर है। इस प्रदर्शन ने सुमन कुमार को एक युवा गेंदबाज के रूप में पहचान दिलाई है और आने वाले समय में उनके द्वारा और भी शानदार प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आप सुमन कुमार के प्रदर्शन पर क्या कहना चाहेंगे हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।